বিগত ২৪ ঘন্টায় ইউক্রেন থেকে ৩০০০ ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে মোট ১৫টি বিমানে তাদের দেশে ফেরানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রের খবর, শুক্রবার মোট ৩৫০০ জনকে ১৭টি বিমানে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। অপারেশন গঙ্গার অধীনে জোর কদমে উদ্ধার কাজ চলছে ইউক্রেনে। প্রথম দফায় বায়ুসেনার C-17 বিমানে ৭৯৮ জনকে ইউক্রেন থেকে উদ্ধার করে ভারতে ফেরানো হয়েছে। রোমানিয়া, পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরির আকাশপথ ব্যবহার করে ভারতীয় পড়ুয়াদের দেশে ফেরানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভারত থেকে বায়ুসেনার বিমান উড়ে যাওয়ার সময় ৯.৭ টন ত্রাণ নিয়ে উড়ে যাচ্ছে, এমনই জানানো হলো বায়ুসেনার তরফে। দেশে ফিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছেন সকলে। ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলছেন না ফেরত আসা ভারতীয়রা। हम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तब हमको पता चला कि किसी की डेथ हुई है। तो उस टाइम हम खुद इतना टेंस और कंफ्यूजन थे। ऑब्वियसली हमको बहुत दुख हुआ उनका न्यूज़ सुनकर, लेकिन इधर हमारे फ्रेंड्स बॉर्डर पे मिसिंग भी थे बहुत ज़्यादा, तो हम उनको भी ढूंढ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन था उस टाइम। आपका कोई फ्रेंड मिसिंग है या कुछ है? नहीं, अभी सब लोग हमारे ग्रुप के सब लोग मिल चुके हैं और वो लोग पोलैंड से फ्लाइट से आ रहे हैं अभी। इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहें? इंडियन गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था, देर वॉज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप, लेकिन हम फर्स्ट बैच थे जो पोलैंड पहुँचे थे। फिर उसके बाद हमने बोला कि बॉर्डर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है रहने का, देर वॉज नो शेल्टर, नथिंग। सो आफ्टर दैट स्लोली द गैप एंड द ब्रिज वॉज बिल्ट। उसके बाद बॉर्डर्स पे फिर एम्बेसी ने बस भेजना शुरू कर दिया, फिर एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। सो आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन एम्बेसी फॉर डूइंग दैट। सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है, खासकर कुछ तरफ जो रशिया के पास है, वहाँ के बच्चे, दो बच्चे अभी तक मर भी गए हैं सुनने में आ रहा है। हमारी तरफ रिलेटिवली सिचुएशन अच्छा था, मैं थोड़ा वेस्टर्न साइड रहता था और निकलने में बहुत प्रॉब्लम हुई यूक्रेन बॉर्डर में और पोलैंड बॉर्डर में, बट जब से एम्बेसी ने हमें टेक ओवर किया तब से बहुत आरामदायक रहा। एम्बेसी ने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया, होटल से लेके एकोमोडेशन, बुक फ्लाइट्स और वो सब हमें प्रोवाइड किया। फिर दिल्ली जब हम पहुँचे, वहाँ से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की और यहाँ तक हमें पहुँचाया। So thanks for all the help we got from the both central and state government. जब आपको मालूम चला कि क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पे और कैसा रहा इस वक्त, और गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है, खासकर कुछ तरफ जो रशिया के पास है, वहाँ के बच्चे, दो बच्चे अभी तक मर भी गए हैं सुनने में आ रहा है। हमारी तरफ रिलेटिवली सिचुएशन अच्छा था, मैं थोड़ा वेस्टर्न साइड रहता था और निकलने में बहुत प्रॉब्लम हुई यूक्रेन बॉर्डर में और पोलैंड बॉर्डर में, बट जब से एम्बेसी ने हमें टेक ओवर किया तब से बहुत आरामदायक रहा। एम्बेसी ने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया, होटल से लेके एकोमोडेशन, बुक फ्लाइट्स और वो सब हमें प्रोवाइड किया। फिर दिल्ली जब हम पहुँचे, वहाँ से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की और यहाँ तक हमें पहुँचाया। सो थैंक्स फॉर ऑल द हेल्प वी गॉट फ्रॉम द बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब आपको मालूम चला कि एक छात्र की मृत्यु हुई है इस लड़ाई में, तब आप लोगों के मन में कैसा डर था, वो सिचुएशन कैसा रहा? तब हम बॉर्डर पे फंसे हुए थे, क्योंकि उस समय क्या है, बहुत मास लाइक बहुत लोग भाग रहे थे, तो हमारा चांस नहीं आ रहा था। बट हमें पता था कि हम जिस एरिया में, वो रिलेटिवली सेफ है और हम एक दो दिन में निकल जाएंगे। डर तो था बट हमें। অন্যদিকে ইউক্রেনে আটকে থাকা পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও রীতিমতো আতঙ্কে সময় কাটাচ্ছেন। সন্তানদের সুরক্ষিতভাবে বাড়ি ফিরতে এই স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছেন অভিভাবকরা। প্রচুর উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম, সারা রাত্রে আমাদের ঘুম হয়নি। ও তো দুদিন রাস্তাতেই ছিল, কোনো ছাউনি পায়নি বা আশ্রয় পায়নি। ও তো এত অসুস্থ হয়ে গেল, অজ্ঞান হয়ে গেছিলো ওখানে। হ্যাঁ, তারপর তো বর্ডারে বোধহয় দুদিন আটকে রইল ওখানে, বর্ডার প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। আমরা তো চিন্তাতে খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম, এখন মেয়ে আসছে, খুব ভালোই লাগছে। ভারত সরকার, আমি বলবো ভারত সরকার খুব প্রচুর সহযোগিতা করছে, অনেক সহযোগিতা, অনেক ভারত সরকার যদি না সহযোগিতা করতো, ওরা তো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারতো না। মানে আমার বাড়ি অবধি ভারত সরকার পৌঁছে দিয়ে গেছে, ভারত সরকার বা রাজ্য সরকার দুজনে মিলে আমার বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে গেছে। মেয়ে বাড়িতে পৌঁছে দুটোতে, রাত্রি দুটোতে, আজ রাত্রি দুটো, মানে হ্যাঁ আজকে রাত্রি দুটো। যখন থেকে শুনলেন যে ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার একটা ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে,
সেই সময় থেকে মেয়ে ওখানে আছে, কতটা উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন? উৎকণ্ঠার মধ্যেই ছিলাম, তবে ওই কলেজ ওদের ছাড়ছে নি, বলছে আমরা হয়তো দু মাস পরে আবার ক্লাস শুরু করব। প্লেনের টিকিটও পেল না লাস্টের দিকে। মেয়ের সাথে সবসময় যোগাযোগ? মেয়ের সাথে প্রতিদিন কথা হতো।